काजल भी आ रही है। काजल आ रही है 100% सुबह में काजल जी आ रही हैं। अच्छा, एक अवधारणा है कि थिएटर में जो लड़कियां आती है वो बहुत असली असली काम करती है, ऐसा भी कुछ? सब एजेंट लोग भेजता है, कोई बंगाल से, कोई दिल्ली से, कोई कहीं से। किस तरह का एजेंट रहता है जो अश्लील हरकत करती है लड़की, चाहे अश्लील गानों पे डांस करती है या फिर अश्लील कुछ काम करती है, ऐसा भी कुछ होता है? नामचीन अभी राजगीर में दो लड़की वायरल हुई थी, सूजी और रेखा गौतम, तो वो भी आ रही हैं और बाहर से रशियन वगैरह भी आ रही है, माही मनीषा भी आ रही है और दिल्ली हरियाणा के बहुत बहुत अच्छे अच्छे कलाकार भी आ रहे हैं, उसमें मैं भी हूँ। मैं पवन जी के साथ और खेसारी जी के साथ काफ़ी सारी मेरी एल्बम है और काफ़ी सॉन्ग है, वो मैं कर चुका हूँ भोजपुरी वगैरह। कितने लड़कियां आ रही है थिएटर में? देखिए, इसमें स्टेज पर कम से कम 100 से 125 लड़कियां रहती है एक थिएटर में। जैसे ये मेला जो है प्रशासन के अंडर में ना है, तो मानते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा कांड ना हो जाए, इसलिए भीड़ भाड़ इतना हो जाता है कि पुल उल सब बंद कर दिया जाता है दोनों। तो आइए जानते हैं 2023 के सोनपुर मेला में शोभा थिएटर के अलावे और कितने थिएटर यहाँ पे सोनपुर में देखने को मिलेगा, युवाओं का धड़कन कितना धड़काने में कामयाब रहेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं थिएटर में ही काम करते हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम इसराइल है, थिएटर के पास ही रहते हैं हम लोग, काम करते हैं उसमें। कितना थिएटर अब की बार सोनपुर में? 6 थिएटर लगा हुआ है। 6 थिएटर, क्या क्या नाम है? नाम भी याद नहीं है। थिएटर का उतना नाम लोग जानता है? उधर का नहीं मालूम। 3 थिएटर का नाम, ये तो परफेक्ट है। पायल है। हाँ, पायल का भी नाम लोग जानता है, इनसे जानते हैं। कितना थिएटर लगा है? पायल है। हाँ, और? है वो अच्छी है, गुलाब है। और ये वो है, दूसरा है, नया अभी शुरू हुआ है। नया अभी शुरू हुआ है। अच्छा, काजल आ रही है कि नहीं? काजल शोभा में ही आएगी कि दूसरे थिएटर? इसी में आएगी। तो इसी थिएटर से वायरल हुई थी, काजल को आप लोग जानते ही होंगे, इसी थिएटर से वो वायरल हुई थी। राजगीर मेला में भी वो दिखी थी और फिर से सोनपुर में वो दिखेगी। और यहाँ पे कुछ युवा है, हम युवाओं से भी बात कर लेते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। 6 थिएटर लग रहा है, बाकी तीन ही का नाम जानते हैं। अभी किरण क्या बता रहे थे? किरण कोई और कोई थिएटर? हाँ, पायल किरण। तो देखिए, पायल के साथ किरण भी आ रही है और सम्राट तो है ही, उसके बाद इंडिया भी आप लोग जानते ही थे, गुलाब को जानते ही थे, एक और भाई जान है, इनसे भी जानते हैं कि हो सके इनको पता होगा कौन कौन सा थिएटर यहाँ पे लगा है। कुछ नया थिएटर का नाम पता है आपको? नहीं नहीं, अभी तो फिलहाल नया का नाम पता नहीं चल रहा है, मगर है, नाम तो है ही, 6 थिएटर है। हाँ, 3 तो है ही, बगल बगल में ही आप देख ही रहे हैं, और गुलाब उधर लगा हुआ है, हम लोग का ये सामने में दुकान है। अच्छा, कितना लड़की आने का संभावना है? अब इसमें तो कम से कम 100-150 के करीब में लड़की का प्रोग्राम है जी। शोभा कितना मंगवा रही है? शोभा 100 से ऊपर ही रहेगा। जी, काजल भी आ रही है? काजल आ रही है 100%, सुबह में काजल जी आ रही हैं। तो देखिए, राजगीर में जो मेला लगा था तो शोभा सम्राट ने उसको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रमोट किया था, अपने बैनर पोस्टर पे भी काजल का फोटो लगाया था। अब देखने वाली बात ये होगी कि सोनपुर में भी काजल को प्रमोट करते हैं ब्रांड एम्बेसडर के रूप में या नहीं, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अभी तक किसी भी थिएटर को लाइसेंस नहीं मिला है। अब देखने वाली बात ये होगी किस शर्त पर इन लोगों को, थिएटर वाले को लाइसेंस मिलता है या फिर टाइम लगाएगा, चूँकि ये सोनपुर मेला 25 नवंबर से ही शुरू हो जाएगी। उद्घाटन कर देंगे तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार दोनों मिलकर के, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों रहेंगे उद्घाटन कार्यक्रम में। लेकिन थिएटर का लाइसेंस कब तक मिल जाएगा? पूर्णिमा के बाद। हाँ। तारीख उड़ी तय नहीं हुआ नहीं। क्या कोई शर्त उर्त रखा जाता है? हाँ, पैसा वैसा कुछ लेता है, पैसा वैसा लेता है, उसके बाद तब देता है। और कोई शर्त? और कोई शर्त नहीं। जहाँ अभी खड़ा है यहाँ का टिकट मिनिमम 100-200 रुपया रहता है, लेकिन अब की बार क्या चार्ज रहेगा वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। ये जो ग्राउंड बनेगा इसका क्या टिकट का चार्ज रहता है? इसका 150 रुपया है। 150 रुपया। हाँ। और उसके नीचे वाले? उसके नीचे वाले 600। उसके आगे 1200। और सबसे VVIP? 1200। VVIP का 1200? 1200, 500, 250, 150। 150। तो 4 कैटेगरी में टिकट रहेगा, 4 कैटेगरी का टिकट रहेगा। देखिए, जो VVIP होंगे वो 1200 रुपया का टिकट लेंगे और आगे वाला
सीट पे बैठेंगे, उसके बाद वाला जो बैठेंगे वो 600 वाला, और उसके बाद वाला जो आएंगे वो 500 रुपया वाला, और जो यहाँ पे जहाँ हम खड़ी हैं इस वक्त सबसे पीछे वाला, ये 150 से लेकर 200 तक में, ज़्यादा रात होता है ज़्यादा भीड़ होता है तो 100 रुपया में भी टिकट बेच दिया जाता है। लेकिन यही टिकट का दर रहेगा, जो रेट हम बता रहे हैं यही रेट रहेगा, जो आगे वाला रहेगा वो 1200, 600, 500 और 200 या 150 का ये पूरा ये रेट रहता है, टिकट का रेट रहता है। तो देखिए अभी हम आपको शोभा सम्राट थिएटर का पूरा दृश्य दिखाया, उसके बाद हम इंडिया थिएटर में हैं। इंडिया थिएटर का भी कार्य जो है जोर शोर पर चल रहा है, यहाँ पे कुछ लोग हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, और इनका भी कैंपस है वो काफ़ी बड़ा है, कितने लोगों का आने का संभावना है और कितने लोगों का यहाँ पे आ सकते हैं रह सकते हैं वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। भैया आप थिएटर में ही काम कर रहे हैं, कितने लोग इसमें आ सकते हैं? कम से कम 1500 से 2000 आदमी, 1500 से 2000 लोग आ सकते हैं। उसमें VIP क्लास अलग है, लोकल क्लो अलग है। क्या क्या रेट है सबका? कोई का 15 VIP का 1500 है, स्पेशल का 600 है, मतलब जोन क्लास पहले जो सिनेमा टिकट में चल रहा था वही इसमें है। तो देखिए उसमें तो 1200 का टिकट बताया गया लेकिन इसमें 1500 का टिकट बताया जा रहा है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि चूंकि सबका रेट सेम ही रहता है, अब क्या रेट रखा जाता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा ये बताइए कि इसमें कितने लड़कियाँ आ रही है थिएटर में? देखिए इसमें स्टेज पर कम से कम 100 से 125 लड़कियाँ रहती है एक थिएटर में। हाँ, अपना वो लोग प्रोग्राम रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे भोर तक प्रोग्राम लोग, सुबह 4 बजे तक, सुबह तक तो एक एक दो दो लड़की करके प्रोग्राम लोग करता है। एक साथ नहीं करती है। एक साथ सिर्फ चितहार में लोग आता है, जब टिकट काटने का समय होता है उस समय लोग स्टेज पर आता है, एक साथ रहती है उस समय, उसके बाद फिर एक उसके बाद अपना जो शो प्रोग्राम करके जाते हैं। अच्छा लाइसेंस मिलने का क्या असर लग रहा है? वो लोग लाइसेंस जिसे देखिए पूर्णिमा के लेकर लाइसेंस नहीं मिलता है क्योंकि काफ़ी भीड़ हो जाता है, इसलिए कुछ बवाल उवाल ना हो इसलिए प्रशासन लाइसेंस नहीं देता है। पूर्णिमा के 2 दिन के बाद ऑटोमेटिक सबका लाइसेंस मिल जाता है। क्या शर्त रखा जाता है? जैसे ये मेला जो है प्रशासन के अंडर में ना है, तो मानते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा कांड न हो जाए, इसलिए भीड़ भाड़ इतना हो जाता है कि पुल उल सब बंद कर दिया जाता है दोनों, इसीलिए लाइसेंस उस दिन भीड़ के कारण थिएटर लोग को नहीं दिया जाता है। भीड़ खत्म भीड़ उसके बाद पूर्णमासी खत्म हो जाता है, गंगा स्नान उसके 2 दिन के बाद सब कुछ लाइसेंस मिल जाता है। अच्छा एक अवधारणा है कि थिएटर में जो लड़कियाँ आती है वो बहुत असली काम करती है, ऐसा भी कुछ नहीं? नहीं सब लोग प्रोग्राम करता है, लोग सब एजेंट लोग भेजता है, कोई बंगाल से कोई दिल्ली से कोई कहीं से एजेंट लड़की है। एजेंट लोग अपना है। किस तरह का एजेंट रहता है? जैसे कि वो लोग जो मानते थिएटर जो नाच गाना प्रोग्राम जो करता है वही लोग से कॉन्टेक्ट रहता है, वही लोग भेजते हैं। जो अश्लील हरकत करती है लड़की, चाहे अश्लील गानों पे डांस करती है या फिर अश्लील कुछ काम करती है, ऐसा भी कुछ होता है? नहीं नहीं, ये सब पहले का युग में था, पहले था अब नहीं है, बस वो कहानी बनकर रह गई। वो सब अब इतना ना प्रशासन के नज़र रहता है, सीटी कैमरा रहता है, थाना देखता है, और भी आदमी बड़े बड़े लोग सबका प्रशासन के नज़र में थिएटर चलता है, CCTV कैमरा भी रहता है। हाँ सब प्रशासन देखता है, सोनपुर में हर एक जगह पटना तक आदमी उसको देखता है। अच्छा। प्रशासन के नज़र में ही सब है, अब गलत नहीं है। अब नहीं तो देखिए प्रशासन का जो शर्त होता है वो इसी शर्त पर लाइसेंस देती है कि यहाँ पे कोई अश्लील हरकत ना हो और अश्लील काम ना हो, इसके लिए थिएटरों में जगह जगह पर CCTV कैमरा भी लगाया जाता है और प्रशासन चप्पे चप्पे पर नज़र बनाए रखती है। हमारे साथ तो जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजर टीम के लोग हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि तो देखिए हमारे साथ इंडिया थिएटर के ऑर्गेनाइजर हैं, हम इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। भैया कब से स्टार्ट होने जा रहा है ये थिएटर? सर ये 25 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा और 26 दिसंबर तक शुरुआत हो जाएगा, लेकिन थिएटर की ओपनिंग 25 नवंबर से ही है। लाइसेंस मिल गई आपको? अभी मिली नहीं, मिल जाएगा। अच्छा। लेकिन कंफर्म है कि 25 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। कितने लड़की आ रही है? कम से कम 150 भर। 150 नामचीन अभी राजगीर में 2 लड़की वायरल हुई थी, सूजी और रेखा गौतम, तो वो भी आ रही है, और बाहर से रशियन वगैरह भी आ रही है, और माही मनीषा भी आ रही है, और दिल्ली हरियाणा के बहुत बहुत अच्छे अच्छे कलाकार भी आ रहे हैं, उसमें मैं भी हूँ, मेरी काफ़ी सारे फिल्में, मेरा नाम राजेश कुमार है,
और मैं पवन जी के साथ और खेसारी जी के साथ काफ़ी सारी मेरी एल्बम है और काफ़ी सॉन्ग है वो मैं कर चुका हूँ, भोजपुरी वगैरह वो भी हैं, और शायद कोशिश है कि पावर स्टार हमारे पवन सिंह जी वो भी एक दिन के लिए आएंगे, एक दिन के लिए ये भी आएंगे जी। तो देखिए बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं क्योंकि इंडिया थिएटर में पावर स्टार पवन सिंह भी आ सकते हैं और कई नामचीन जिसको माई मनीषा के नाम से आप लोग जानते हैं, दोनों बहन भी यहाँ पे आ सकती है। भोजपुरी स्टेज शो का सुपरस्टार कलाकार में से एक है माही मनीषा, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर लाइसेंस लेने का क्या क्या क्राइटेरिया होता है, क्या शर्त होता है? ये लाइसेंस हमारे SDO साहब देते हैं और थाना और DSP साहब देते हैं और SDO साहब के यहाँ से लिखित आता है और चालू हो जाता है। मतलब ऐसा कहा जाता था कि थिएटर का जो अवधारणा है कि यहाँ अश्लील काम होता है, अश्लील हरकत होता है, तो प्रशासन किस नाम पर, किस बात पर वो कौन सा शर्त रखती है जो कि आप लोगों को लाइसेंस मिलता है? बहुत ज़्यादा शर्त है लेकिन साफ सुथरा प्रोग्राम होता है और एक से एक आइटम का प्रोग्राम, फिल्मी दुनिया का, भोजपुरी का आइटम हुआ, हिंदी फिल्म की मैंने गाने पर आइटम हुआ और हरियाणवी हुई, साउथ की हुई, महाराष्ट्रियन हुई, ये सब मिलाकर हमारा प्रोग्राम होता है, बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, ड्यूट भी अच्छा होता है और CCTV कैमरा भी लगा है। हर चीज़ यहाँ पूरा व्यवस्था टाइट रहता है, प्रशासन का फुल व्यवस्था रहता है, प्रशासनिक सहयोग करते हैं बहुत ज़्यादा, प्रशासनिक सहयोग बहुत ज़्यादा मिलता है और आप लोग का आशीर्वाद रहा तो पिछले साल से भी टॉप रहेगा इस साल, पिछले साल से भी टॉप, बहुत टॉप। तो देखिए पिछले साल से भी टॉप रहेगा इंडिया थिएटर, चूँकि भोजपुरी के कई नामचीन पावर स्टार टाइप के, जैसे पावर स्टार जिनको आप बोलते हैं, सुपर स्टार बोलते हैं, पवन सिंह को पावर स्टार के नाम से जाना जाता है, ट्रेंडिंग स्टार को खेसारी लाल यादव को ट्रेंडिंग स्टार लोग कहते हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। अभी आप बहुत सारी जानकारी दे रहे थे, आप बोलिए। ना हम इनसे मिले ना, आप नहीं बोलेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम पप्पू सिंह है। थिएटर का ऑर्गेनाइजर आपकी? बिल्कुल। क्या क्या आपकी बार विशेष देखने को मिलेगा, चूँकि युवा का धड़कन कहा जाता है थिएटर जी, हाँ, और लोग बहुत बड़ी दूर दूर से आते हैं थिएटर देखने के लिए, और रात गुजारने का एक आसान तरीका होता है थिएटर, कम से कम घूम लिए मेला और पूरा रात यहाँ पे बिता लिए। बिल्कुल। तो क्या विशेष इस बार जो हम लोग प्रोग्राम देने का कोशिश कर रहे हैं कि जनता का भरपूर सहयोग और उसको माने भरपूर मनोरंजन मिले, तो इसके लिए हमें प्रशासन से भरपूर सहयोग मिलता है और इस बार हम लोग स्टार कलाकार को यहाँ लाए हैं जिसमें माही मनीषा, उसके बाद पवन जी से भी हम लोगों का बातचीत चल रहा है, जो 2 तारीख को शायद प्रोग्राम मेरे यहाँ देने के लिए उत्सुक हैं और 2 तारीख को निश्चित रूप से वो आएंगे, और भोजपुरी स्टार एक राजेश जी यहाँ बैठे हुए हैं जो पवन जी के साथ बहुत सारा उनका प्रोग्राम हो चुका है, और इस तरह से जो नामचीन कलाकार में 2 लड़कियाँ जो इस बार आपको माने राजगीर से वायरल हुई थी, वो लड़कियां भी मेरे में आ रही है, और इस बार दर्शकों को भरपूर मनोरंजन दिया जाएगा। जिस तरह से न्यू इंडिया थिएटर पिछले बार टॉप में रही, इस बार भी टॉप से ही टॉप होने का कोशिश करेगी। टिकट का क्या रेट रहेगा? टिकट का रेट तो यहाँ प्रशासन के अनुसार मतलब तय किया जाता है कि ज़मीन का जो रेट बढ़ गया इस बार मिलेगा, तो जो पिछले साल का था उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, आगे पीछे हो सकता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए एक भोजपुरी स्टार यहाँ पर भी हैं राजेश जी, जो कि काफ़ी वायरल हैं ये भी पवन सिंह के साथ, और कई भोजपुरी गाना, कई सुपरस्टार और ट्रेंडिंग स्टार के साथ गाना गा चुके हैं और अपना परफॉर्मेंस कर चुके हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर आपका तो सबसे पहले बहुत स्वागत है, आप ऑलरेडी एक कलाकार हैं जी, तो क्या विशेष रहेगा आपकी बार युवाओं के लिए? आपकी बार विशेषता ये है कि इसमें काफ़ी नई चीज़ों को ऐड किया जा रहा है, जैसे कि रशियन डांसर आ रही हैं बाहर से और सीरिया से भी आ रही हैं, शायद सीरिया से भी आ रही हैं, और पवन स्टार भी आपकी बार शायद 100% आ ही जाएंगे, तो काफ़ी चीज़ें नई होंगी, और माही मनीषा भी आ रही हैं, और जैसे कि हम हैं और लोग हैं, हरियाणा के कलाकार हैं और बाहर से अच्छी अच्छी दिल्ली से मॉडल आ रही हैं, तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। और ये जैसे कि आप पूछ रहे थे अभी कि यहाँ पर जैसे लोग सोचते हैं वल्गर, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सारी खाली इंटरटेनमेंट होता है,
गंदा कोई काम नहीं होता यहाँ पे, तभी हमें प्रशासन हमें परमिशन देता है। तो इस बात से बेफिक्र रहे हैं आप। बजट तो अभी बहुत ओवर चल रहा है, लेकिन ये है कि जैसे पहले की तरह हमारा नंबर वन थिएटर रहा है न्यू इंडिया थिएटर, और ब्लैक से टिकट भी के 4-5 हज़ार महीना पहले थोड़ी देर पहले बताया था, तो अब की बार लग रहा है कि उससे भी ज़्यादा जाएगा, उससे भी ज़्यादा। हाँ, तो देखिए पिछले साल इंडिया थिएटर टॉप रहा था, और अब की बार भी दावा किया जा रहा है कि इंडिया थिएटर फिर से टॉप रहेगी, चूँकि बगल में शोभा सम्राट थिएटर भी है, चूँकि उससे भी एक डांसर लड़की वायरल हुई थी जिसका नाम काजल था, जिसको आप लोग जानते भी हैं वहाँ, चूँकि वो शोभा थिएटर के लिए ही काम करती है, लेकिन यहाँ भी पावर स्टार जैसे लोग आ रहे हैं, तो ये भी पीछे नहीं रहने वाली है, क्योंकि उनसे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके काम कर रही है इंडिया थिएटर। और आपको भरपूर मनोरंजन का व्यवस्था पूरा का पूरा ध्यान रखा गया है कि जो दर्शक आएंगे उनको भरपूर मनोरंजन दिया जाए, पूरा एक से एक इंटरटेन करने का व्यवस्था किया गया है। और कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ, जैसे कि हमारे राजगीर में न्यू इंडिया थिएटर लगा था अभी, तो वहाँ हमारे थिएटर की दो लड़की वायरल हुई थी, सूजी और रेखा गौतम, वो भी थिएटर में आ रही हैं, तो सूजी और रेखा गौतम वो भी वायरल हुई थी, वो भी आ रही है, वो भी दिल्ली में ही रहती है, और देश के अलग अलग राज्य से, अलग अलग जिला से, बिहार के अलग अलग जिला से लड़कियां यहां पे आ रही है। आपको भरपूर मनोरंजन मिलने वाला है, संगम होने वाला है, सभी राज्यों की लड़कियों का जो यहां पे थिएटर में संगम होता है वो आपको देखने को मिलेगा, तो आप देखना ना भूलें, आप आइए, चूँकि 25 नवम्बर से थिएटर का उद्घाटन होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री दोनों मिलकर के इस मेला का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद शुभारंभ हो जाएगा, और थिएटर का भी जो ऑर्गेनाइजर है उनका भी कहना है कि 25 तारीख से ही इंडिया थिएटर शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो जरूर कीजिए, और हमारे ट्विटर को और हमारी वेबसाइट को भी विजिट जरूर करें। धन्यवाद।